गुड मॉर्निंग, जय हिंद एंड वेलकम टू सरीन पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस की फॉर्म में, जैसा हमारे से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी लोग यूपीएससी एसएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर रहेंगे और उनका स्टैटिक रहेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल समिट 2018 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ कि एनुअल स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल समिट 2018 कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। ठीक है, तो इसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस समिट की जो थीम है, थीम क्या है, मोबिलाइजिंग ग्लोबल कैपिटल फॉर इनोवेशन इन इंडिया। हमारे बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाता है भैया थीम क्या है, तो थीम है मोबिलाइजिंग ग्लोबल कैपिटल फॉर इनोवेशन इन इंडिया। और किस मिनिस्ट्री के अंडर है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड अलॉन्ग विद गोवा स्टेट गवर्नमेंट इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू सीएमडी ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस? सीएमडी मतलब कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इनकी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया की, इसका नाम है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इसके रिसेंट चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? हमारे ऑप्शन हैं अतुल सहाय, रंजन शर्मा, केवल हेगड़े, साहिल मित्तल। इसका जो राइट आंसर है वो है अतुल सहाय। ठीक है, और इन्हें 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इन्हें अतुल सहाय को नया सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाएगी। कैसी क्वेश्चन क्या है कि साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान इसमें से किसे नहीं मिला है? ठीक है, ऑप्शन हैं योगेंद्रनाथ शर्मा, जी वेंकट्टा सुब्बैया, शैलजा बापत और चित्रा मुद्गल। ठीक है, तो राइट आंसर है चित्रा मुद्गल। इसके ये जो हमारे बाकी 3 नाम हैं, ये अलग अलग जोन्स हैं जिनमें साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान दिया गया है। ध्यान रखना है भाषा सम्मान वर्ड, क्योंकि एक साहित्य अकेडमी अवार्ड भी आता है। तो ये 3 को मिला है, योगेंद्रनाथ शर्मा, जी वेंकट्टा सुब्बैया, शैलजा बापत। और जो इसके 4th रेसिपिएंट हैं इसी कैटेगरी में, वो हैं गजेंद्रनाथ दास। ठीक है, जो चित्रा मुद्गल हमारे पास 4th ऑप्शन है, वो उन्हें मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर नोवल। नोवल लिखी किस लैंग्वेज में? हिंदी में। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो बुक्स और नॉवल्स के लिए मिलता है, और 24 लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये दिया जाता है। ठीक है, 4th क्वेश्चन इज, हु विल होस्ट 2023 एथलेटिक्स चैंपियनशिप? 2023 की जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कौन होस्ट करने वाला है? अभी हाल ही में फाइनल हुआ है, तो इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बुडापेस्ट हंगरी, दोहा कतर, यूजीन यूएसए में, या फिर लंदन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेट इज बुडापेस्ट हंगरी। ठीक है, जो बुडापेस्ट हंगरी में 2023 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी वो 19th एडिशन होगा। एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक बाईएनियल जो इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार इवेंट होता है। तो बुडापेस्ट हंगरी में 2023 का इवेंट होगा, ये फाइनल हो गया है वेन्यू। 2017 का यानी कि जो लास्ट हुआ था वो था इंग्लैंड में, लंदन में। 2019 में होगा जो वो दोहा में होगा। 2021 वाला विल बी इन यूजीन यूएसए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और, क्योंकि इसको जो कंडक्ट कराती है वो IAAF है, तो IAAF ने एक एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 फाइनल किया है। तो कौन कौन से हैं उसके लिए जिन्हें दिया जा रहा है? फर्स्ट इज यूलिड किपचॉग एंड कैटरीन एबागविन। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिन्हें एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अंडर प्रसाद स्कीम? एक प्रसाद स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इनमें से कौन सी एक जगह है जिसे उस स्कीम के अंडर नहीं रखा गया? पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी पारसनाथ एंड डी रामेश्वरम। तो राइट आंसर इज रामेश्वरम, यानी कि ये बाकी 3 को हाल ही में प्रसाद स्कीम में ऐड किया गया, रामेश्वरम इस स्कीम के अंडर नहीं आता है। अब पहले देखते हैं प्रसाद स्कीम क्या है। प्रसाद स्टैंड फॉर पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड कल्चरल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। पिलग्रिमेज यानी कि श्रद्धालुओं से रिलेटेड है, रिजुवेनेशन का मतलब होता है कायाकल्प करना, एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ऑगमेंटेशन है किस चीज़ को वृद्धि करना या बढ़ाना। ठीक है, तो एक ड्राइव है, एक कैंपेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आता है, जिसके मिनिस्टर हैं KJ अल्फोंस। तो वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन सबको रिजुवेनेट कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आए। ठीक है, तो हाल ही में इन 3 के साथ एक और है जिसे ऐड किया गया है, तो वो है अमरकंटक
इन चारों को मिला के टोटल 41 साइट्स हो चुकी हैं, जो 25 स्टेट्स, अलग अलग 25 स्टेट्स में हैं, जिन्हें प्रसाद स्कीम के अंडर रखा गया है। ठीक है, एम क्या है? टू डेवलप पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्री। पिलग्रिमेज यानी कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं और सांस्कृतिक स्थल हैं उनको इम्प्रूव करना, उनको डेवलप करना। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं कि होटल्स रहेंगे, हॉस्पिटल्स रहेंगे, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ATMs वहाँ पे इंस्टॉल करवाएंगे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट वहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन इज हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI योनो ऐप। SBI की एक ऐप है, योनो ऐप है, नेट बैंकिंग के लिए जो यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा। उसकी रिसेंट अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, हीमा दास, स्वप्ना बर्मन या रानी रामपाल। हीमा दास के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अभी हाल ही में UPSC में क्वेश्चन पूछा गया कि ढींग एक्सप्रेस का क्या है, तो हीमा दास का ही निकनेम ढींग एक्सप्रेस है, एथलीट हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो है स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन कौन है? हाल ही में जो 2018 में एशियन गेम्स हुई, एशियन गेम्स को एशियाड भी कहते हैं और जकार्ता पालमबैंग भी कहते हैं, क्योंकि ये दो जगहें थी जहाँ पर ये इवेंट कंप्लीट हुआ। तो स्वप्ना ने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा इवेंट था? हेप्टाथलन इवेंट। हेप्टाथलन इवेंट क्या होता है कि इस इवेंट में टोटल 7 गेम्स होती हैं जिनमें एक एथलीट को पार्टिसिपेट करना होता है, तो उसमें स्वप्ना बर्मन ने गोल्ड मेडल जीता जो अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुई। SBI के बारे में बात करें तो SBI 1955 में बना, इसका पुराना नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट जो चेयरमैन हो SBI के वो रजनीश कुमार हैं और इसका हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पैराडॉक्सिकल PM नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। अभी एक हाल ही में एक बुक रिलीज हुई द पैराडॉक्सिकल PM नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, तो उसके ऑथर कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं शशि थरूर, रोहिंटन मिस्त्री, विक्रम सेठ या फिर किरण देसाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शशि थरूर। तो शशि थरूर की बुक है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक तरीके से कहें तो हम निशाना साधा है कि उन्होंने जितनी बड़े बड़े हम लोगों को वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, तो वही उन्होंने इसमें किया है, क्योंकि पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है विरोधाभास, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिलेट किया है कि जो बातें कहते हैं वो कर नहीं रहे हैं। एट्थ क्वेश्चन इज थीम फॉर द सॉयल डे। ठीक है, हाल ही में मृदा दिवस मनाया गया, तो सॉयल डे कब मनाया गया वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उसकी थीम क्या है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इज इट्स मोर वैल्यूएबल देन ऑयल, इट्स आवर सॉयल। ऑप्शन बी इज गो फॉर ग्रीन। ऑप्शन सी इज बी द सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी इज डोंट स्पॉयल द सॉयल। तो द राइट आंसर इज सी, डेट इज बी द सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन। इस साल जो सॉयल डे मनाया उसकी थीम ये थी। अब सॉयल डे के बारे में बात करें तो सॉयल डे 5 दिसंबर में हम लोगों ने मनाया। इसे अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स रोम में है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लॉन्च की है स्कीम जिसका नाम है सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। एक तरह का आप कह लीजिए रिपोर्ट कार्ड है हेल्थ का, जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं उन लोगों के हेल्थ कार्ड बनते हैं सोयल के, चेक करने के लिए कि सोयल कितनी फर्टाइल है, उसमें किस चीज़ की कमी है, तो इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट कोर्ट टू गेट ई पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। इनमें से कौन सा कोर्ट है चार ऑप्शन में से जिसने ई पेमेंट यानी कि हम लोगों का एक डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम स्टार्ट किया है? ऑप्शन ए इज दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी इज पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन सी इज हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट या ऑप्शन डी इज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो द राइट आंसर इज पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसमें है क्या ई पेमेंट सिस्टम में कि जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो हम ऑनलाइन करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रावधान कर दिया है, उसका प्रोविजन दे दिया है। फायदा क्या होगा कि हो सकता है कुछ करप्शन को कंट्रोल किया जा सके, तो इस चीज़ के लिए वर्क किया गया। नेक्स्ट है कंदमल हल्दी रिसेंटली गॉट GI टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट इन इंडिया। GI टैग क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। अभी हाल ही में एक GI टैग दिया गया कंदमल हल्दी को। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिससे रिलेटेड है कंदमल हल्दी। कंदमल एक जगह का नाम है जहाँ पर एक हल्दी मिलती है, उसे GI टैग दिया गया। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा या तमिलनाडु। द राइट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, तो ओडिशा GI टैग क्या है पहले वो देख लेते हैं। GI टैग इज अ नेम और अ साइन यूज ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स विच कॉरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है अगर हमें वहीं पर मिलती है उसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए GI टैग दिया जाता है। जैसे हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र के अल्फॉन्स मैंगो, बिहार की शाही लीची,
या फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में कड़कनाथ कुक्कड़ मिलता है जिसको जीआई टैग दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट नागपुरी ऑरेंज पश्मीना शॉल्स जो होते हैं या फिर दार्जिलिंग टी जो सबसे पहला जीआई टैग इंडिया में मिला, तो ये सब जीआई टैग्स के अंडर आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जीआई टैग कौन गवर्न करता है? WTO, डेट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो इसे कौन एडमिनिस्टर करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जो चेन्नई में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अलॉन्ग विद स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारा जो चैनल है सरीन पाठशाला का टेलीग्राम पे चैनल है इसी नाम से, आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू एंड जय हिंद।